हाय फ्रेंड, आप अगर लैब्राडोर रिट्रीवर पपी लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग ब्रीड की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को लेके बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोलकाता पेट केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ऑल बटन को ही प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लैब्राडोर रिट्रीवर मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। लगभग सभी देशों में और हमारे देशों में भी एक बहुत ही पॉपुलर डॉग ब्रीड माना जाता है। लैब्राडोर रिट्रीवर का कुछ पॉजिटिव बातें करें तो वो है, लैब्राडोर को सोशलाइज्ड करना बहुत ही आसान होता है। आपका घर छोटा या बड़ा हो, आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा या कम हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्स्ट टाइम ऑनर होता है वो लैब्राडोर लेना चाहता है तो वो भी आसानी से इसे रख सकते हैं, क्योंकि लैब्राडोर बहुत ही कम समय में फ्रेंडली हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो है ट्रेनिंग। लैब्राडोर रिट्रीवर एक ऐसी डॉग ब्रीड होता है जो घर पर ही आप आसानी से इसे कोई भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसे ट्रेनिंग देने के लिए आपको अलग से पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत ही कम समय में कोई भी ट्रेनिंग एडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए बहुत ही कम टाइम पे आप घर पे ही कोई भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये लैब्राडोर के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। आपके घर पे कोई बेबी है लेकिन आप कोई डॉग लेना चाह रहे तो आप लैब्राडोर रिट्रीवर ले सकते हैं, क्योंकि लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत ही फ्रेंडली होता है और आपको बेबियों के साथ बहुत ही कम समय में वो घुल मिल भी जाता है। आप कोई लो बजट डॉग लेना चाह रहे तो लैब्राडोर रिट्रीवर ले सकते हैं। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसको हर वक्त आपको नॉनवेज नहीं देना पड़ता है। आप अगर चाहे तो इसे वेज में भी रख सकते हैं। और आपका घर स्मॉल, लार्ज, मीडियम कुछ भी हो, आप इसे आसानी से रख सकते हैं। इसे आसानी से बीमारी भी नहीं होता है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। लैब्राडोर रिट्रीवर किसी भी वेदर में आराम से रह सकता है, चाहे वो गर्मी के मौसम हो, बारिश के मौसम हो या ठंडे के मौसम। इंडियन वेदर के लिए ये बहुत ही सूटेबल डॉग ब्रीड है। हर डॉग ब्रीड में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें ज़रूर रहता है, वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड, लैब्राडोर का जो नेगेटिव बातें हैं वो है ओवरवेट हो जाना। आप अगर लैब्राडोर का अच्छे से डाइट प्लान नहीं करेंगे, डाइट चार्ट नहीं बनाएंगे, अच्छा सा खाना नहीं देंगे, अगर टाइम टू टाइम खाना नहीं देंगे तो ये ओवरवेट हो जाता है। या फिर आप कोई भी उसे खाना दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो खा रहा है, इससे वो ओवरवेट हो सकता है। इसलिए आप ध्यान जरूर रखिए, लैब्राडोर का अच्छा सा डाइट चार्ट जरूर बना लीजिए। दूसरी जो नेगेटिव बातें हैं वो है लैब्राडोर का हेयर फॉल होना। फ्रेंड, आप किसी के घर पे जाएंगे और लैब्राडोर देखेंगे तो उसके घर पे हेयर फॉल जरूर मिलेगा, क्योंकि हेयर फॉल होना लैब्राडोर का एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी वेदर चेंज होगा, जैसे कि गर्मी के मौसम से बारिश का मौसम आना या फिर ठंडा का मौसम आना, लैब्राडोर का हेयर फॉल चलता ही रहता है। सो फ्रेंड, लैब्राडोर का हेयर फॉल होना एक कॉमन बात है, लेकिन आप टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन और हेयर का ट्रीटमेंट करेंगे तो हेयर फॉल ये कम हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसा बहुत सारा डॉग ओनर है जो अपने डॉग को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए नहीं ले जाता है, लेकिन ऐसा मत कीजिए। अपने लैब्राडोर को हर रोज़ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि इससे आपका डॉग हेल्दी और फिट रहेगा। लैब्राडोर को वेदर चेंज में बहुत सारा बीमारियां दिखाई देते हैं, इसीलिए आप अपने लैब्राडोर को रेगुलरली या फिर महीने में टाइम टू टाइम चेकअप ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपका डॉग हेल्दी और फिट रहे। एक प्रॉब्लम लैब्राडोर में दिखाई देता है, जैसे कि लैब्राडोर बहुत ही जल्दी फ्रेंडली हो जाता है। इसके लिए आपको ठीक से ट्रेनिंग देना है, ताकि वो जल्दी से फ्रेंडली भी ना हो और गार्ड डॉग का भी काम करे। और एक बात आप ध्यान में रखिए, गर्मी के टाइम पे इसे गर्मी बहुत लगता है, इसलिए आपके घर पे जहाँ पे ठंडा होता है वहाँ पे आप इसे रखिए, कोई खुली जगह या खुली आसमान के नीचे मत रखिए। और ठंडे के मौसम में इसे स्वेटर या कंबल पहना के रखिए, इसे बाहर बिल्कुल मत रखिए, घर में ही रखिए और गर्मी जगह में रखिए। लैब्राडोर को ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन ये आपकी बात नहीं सुनता है, इसीलिए आप इसे ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए और सोशलाइज्ड भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपके बात ये मानता रहे।
तो फ्रेंड आपके डॉग को रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए ताकि आपका डॉग फिट और हेल्दी रहे। और हाँ, सोशलाइज्ड भी ज़रूर करवाइए। लैब्राडोर का डाइट चार्ट पे ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आपका डॉग ओवरवेट ना हो। तो फ्रेंड, आप कोई लैब्राडोर लेने के लिए सोच रहे तो उसके लिए ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।